आपकी भाभी को क्या हुआ था? बच्चा था सर, वो 5 महीने का बच्चा बच्ची, वो डॉक्टर के पास भी गए थे, 2-4 डॉक्टर के पास, तो बोले हो जाएंगे तो कोई हुआ नहीं, फिर यहाँ पे पेट पर दुखने लग गए, तो सर के पास फिर दूसरी हॉस्पिटल में आए। यशवंत, कहा जाता है कि कुदरत के खेल बड़े ही अजीब होते हैं, जो असंभव होता है वो भी संभव हो जाता है। अब इसे अपवाद ही कहेंगे कि पेट की बच्चेदानी से बाहर 5 माह तक शिशु पलता रहा, जो किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। ये केस मेडिकल फील्ड में कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? देवभाई। देवभाई कहाँ के रहने वाली हैं? अच्छा अच्छा तो यहाँ कब आई हैं आप? 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन हो गए थे। आपको ये तकलीफ कब से रहती थी पेट में दर्द की? कितने महीने? 5 महीने सारी। 5 महीने से तकलीफ रहती थी। अच्छा, दूसरी जगह इलाज करवाया होगा? हाँ, दूसरी जगह कराया। तो क्या बोलते थे सब? सर वैसे कहते थे मैडम के इलाज कोर्स से पड़ जाएंगे, कोर्स से पड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा मैडम पे तो फायदा नहीं हुआ कुछ भी? नहीं फायदा। अच्छा, फिर यहाँ पे आए तुम है ना? तो यहाँ पर आए तो मतलब जो है क्या, 5 महीने का बच्चा था? हाँ सर, बोलो। हाँ, 5 महीने। तो वो अपने सही स्थान पर नहीं था, मतलब जो है बच्चेदानी में नहीं था ना वो? आष्टा तहसील के ग्राम भटोनी के रहने वाली देवबाई कई महीनों से पेट दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान ने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि बच्चा बच्चेदानी से अलग दिखाई दे रहा है। और ये देवबाई पति राधेश्याम जो भटोनी की मरीज हैं, ये हमारे पास पेट में दर्द और 5 माह से महीना नहीं आने की समस्या से परेशान होकर हमारे पास आई थी। और मेरे द्वारा सोनोग्राफी और अन्य जाँचें करने के उपरांत मैंने ये पाया कि मरीज को 5 माह का गर्भ है और ये गर्भ बच्चेदानी में ना होकर पेट में पनप रहा था और काफ़ी टाइम से, शायद 1.5-2 माह से ये बच्चा पेट में ख़त्म भी हो चुका था। और इस तरीके केसेस लाखों में एक होते हैं और इसमें जिसमें कि बच्चा पेट में पनप रहा है और बच्चेदानी में नहीं है, इस तरह से मरीज़ की जान के लिए पूरा ख़तरा होता है। मरीज़ के लीवर, किडनी और अन्य अंगों को नुकसान होने की संभावना रहती है। सही समय पर डायग्नोस होना और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैंने ये बात देखी और इसका ऑपरेशन हमारे द्वारा सफलतापूर्वक आयुष्मान हॉस्पिटल में किया गया और आज देवबाई मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है। और आयुष्मान हॉस्पिटल आष्टा इसी तरह के उच्च स्तरीय और जटिल ऑपरेशन करने के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है और आज इसी श्रृंखला में हमने ये सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन किया है जिसमें हमारा मरीज देवबाई पूरी तरह से स्वस्थ है। तो बोले सोना वोना गिरा के करवाई तो वो बच्चा है इसके पेट। बच्चा कहाँ था, किस जगह पे? ये बच्चा दानी में नहीं था सर। हाँ। ये बच्चा दानी से बाहर निकल गया था पेट। हाँ, बोले फिर वो तो यहाँ ऑपरेशन हुआ। हाँ, ऑपरेशन हुआ। अब कैसी तबीयत है इनकी? अच्छी है सर। अच्छा, ऐसा केस कभी तुमने देखा होगा कि जो बच्चा बच्चेदानी में नहीं होता हो, एक मिनट, बच्चेदानी में नहीं हो और बच्चेदानी से बाहर हो और 5 महीने तक रह ले, ऐसा कभी देखा? नहीं देखा सर। या सुना? नहीं सुना भी नहीं सर। क्या मानती हैं इसको आप? इसको मानते हैं वो कि भगवान की लीला है। आयुष्मान प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान ने बताया कि केस काफी डिफिकल्ट था लेकिन उसे समय रहते संभाल लिया गया। डॉक्टर ने असाधारण जटिल और अप्राकृतिक डिलीवरी इसीलिए की ताकि समय रहते मरीज को सुरक्षित बचाया जा सके। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ऐसे केसेस लाखों में से एक होते हैं। बच्चेदानी से बाहर पेट में बच्चा 5 महीने तक ठहरा रहा, इस दौरान महिला इसे लेकर परेशान हो रही थी। पंजाब केसरी के लिए सीहोर से राय सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।